यहाँ क्या कर रहा है? आपके पोते का इंतजार कर रहा हूं। आज कोई नहीं बचा पाएगा उसे पापा जी। नो वे, आने दो उसे, डंडा जरूर मारूंगा। हाँ ओ नहीं पुत्र, वो आ जाएगा। कब आ जाएगा पापा जी? रात के 1 बजने वाले हैं, अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं। कितनी बार मैंने उसे समझाया है, जाओ पार्टी पे जाओ, लेकिन घर वक्त पर आ जाया करो। नींद बिगाड़ दी है मेरी। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आने दो उसे, डंडा जरूर मारूंगा। मेरा मतलब है जवान पुत्र पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। चल अंदर आ। नहीं नहीं पापा जी, आप अंदर जाइए, मैं यहीं निकू का इंतजार करूंगा। वो इंतजार करना ही है तो यहाँ क्यों करना है? चलकर पंखे के नीचे करते हैं। वैसे भी मुझे पंखे से बड़ी शिकायत है। पंखे से शिकायत? हाँ, पता नहीं वो डोल डोल कर रहा है, शायद मेरे ऊपर ही गिर जाए। पंखा कैसे गिर सकता है पापा जी? वो गिर सकता है पुत्र, एक बार हमारे पोस्ट हाउस में ऐसे ही पंखा डोल डोल करता था और वो गिर गया, तो ये भी ऐसे ही गिर सकता है। अच्छा हाँ, दिखाइए तो। देख देख ये पंखा कैसे डोल डोल कर रहा है। कहाँ डोल रहा है? नहीं डोल रहा, थोड़ी देर पहले तो डोल डोल करता था। अच्छा अच्छा, तेरी बीजी गाना गा रही होगी, तन डोले मन डोले। मैं सोचा पंखा डोला है, अब कहाँ चला? बाहर। नीरज का कब तक इंतजार करेगा? जब तक वो घर में नहीं आता तब तक। लेकिन डैडी, नीरज तो कब का आ चुका है? ये तू क्या कह रही है, कब का आ चुका है? हाँ अभी अभी मैं देखे आया, वो कमरे में नहीं था। तू कहता कमरे में नहीं था, रिया कहती कमरे में है। तुम दोनों में से जरूर कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। झूठ क्या और सच क्या है इसका अभी पता चल जाएगा। चलकर उसका रूम चेक करते हैं। हेलो मी, गुड आइडिया। है ये तो यही है, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा था। जब मैंने आके देखा ये कमरे में नहीं था। फिर कहां था ये? मुझे क्या पता, इसी से पूछो। ए हां, कहां था तू? नीरज तू बाथरूम गया था जब तेरे डैडी यहाँ आए तो? हाँ हाँ, बाथरूम तो मैं गया था। मुझे भी उसी टाइम बाथरूम जाना था, खामखा अपने डैडी को टेंशन दी। खैर नेचर काल को कौन रोक सकता है, वो तो ना फादर देखती है ना बेटा। एनीवे नेक्स्ट टाइम जब घर आओ तब मुझसे मिल लिया करो। ओके डैड, गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। हाँ जाओ जाओ बेटा, फिक्र मत किया करो, इस उम्र में टेंशन ही लेनी चाहिए। हाँ थैंक यू पापा जी। पापा जी का पुत्र, आज आखिरी बार बचाया तुझे, हमारे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। पता है माँ बाप को कितनी टेंशन हो जाती है अगर जवान बेटा रात को देर तक घर ना आए, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। पता नहीं तेरी किसी से मारामारी हो गई या तुझे कुछ हो गया, पता नहीं किसकी संगत में रहता है तू। पापा जी मेरा कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है। पुत्र एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और तेरी ये उम्र बहकने की है, और बहका बहकी की बातें रात को शुरू होती है जब शैतान जागता है। तभी डैडी भी जाग रहे थे। पुत्र तो मैं भी जाग रहा था, मेरे डैडी जैसे भी हैं लेकिन इस वक्त वो सही हैं। मेरी लास्ट वार्निंग है तैनू, ऐंदा ऐसा कभी नहीं करना। सोचूंगा सोचूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। हाँ याद है पापा जी, एक बार मेरा फ्रेंड बीमार हो गया था और उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर घर लौटने में मुझे देर हो गई थी। उस वक्त आपने मुझे कितना डांटा था, तब मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आ गई है पापा जी। एक बाप पर क्या बीतती है जब उसका बेटा घर लेट आए। नीरज कम से कम एक फोन कर लिया करो कि तुम कहाँ हो और किस वक्त घर आओगे। यही तो मैं समझा रहा था इसे। सुना मैंने, मैं तुम्हें पार्टी पर जाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम घर वक्त पर आ जाया करो। लेकिन डैड वो दिलीप निकल ही नहीं रहा था। क्यों? दिलीप तेरी गर्लफ्रेंड लगती है जो तुझे उसे घर छोड़कर वापस आना है। छोड़ता तो वो है मुझे डैड अपनी मोटर बाइक पर, वरना इतनी रात को कौन सा कन्विंस मिलता है। सिंपल, लीव द पार्टी अर्ली। उससे तो बेटर ये होगा कि आप मुझे एक मोटर बाइक खरीद के दो ताकि तू और लेट आए। सो जा चुपचाप। देखा, यही होता है हर बार। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो डैड समझते नहीं है। हर किसी के पास अपना कन्वेंस है, मुझे भी मोटर बाइक चाहिए। मोटर बाइक? पापा जी आप मोटर बाइक लें? हाँ नहीं, तू बता तेरी कोई जान पहचान वाला है जो मोटर बाइक बेचना चाहता है? ओल्ड थिंग इज दैट पापा जी कि आप बहुत फनी लगेंगे जब मोटर बाइक चलाएंगे तो। मैं थोड़ा चलाऊंगा मोटर बाइक, मैं तो मोटर बाइक के पीछे बैठा करूंगा। किसकी मोटर बाइक के पीछे बैठेंगे आप पापा जी? नीरज की मोटर बाइक के पीछे। लेकिन नीरज के पास कहाँ बाइक है पापा जी? नहीं है तो हो जाएगी, मैं लेकर दूंगा उसे मोटर बाइक। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि बेटे के लाड़ करे ना करे, पोते के लाड़ जरूर करता है दादा। और पोता भी कर रहा। मेरा नीरज ऐसा नहीं है। आपका नीरज मेरा भी नीरज है बीजी। अपने पिता के पास दाल नहीं गली तो चला गया अपने दादाजी की गोद में अपनी बात मनवाने, और झट से दादाजी मान गए। पापा जी हम क्यों लेकर गए उसे मोटर बाइक? ताकि वो दिन भर आवारागर्दी करता रहे, पेट्रोल चलाता रहे। पापा जी उसके फाइनल एग्जाम सर पर आ रहे, उसे दिन रात पढ़ना चाहिए या मोटर बाइक पर घूमना चाहिए?
तो मैं कौन सा उसे आज ही बाइक लेकर दे रहा हूं। बाइक तो उसे उसके एग्जाम के बाद नहीं बल्कि रिजल्ट के बाद मिलेगी। बट वाई, क्यों पापा जी? मतलब अगर वो फेल होएंगे तो उसको बाइक नहीं मिलेगी। वो फेल तो मेरा पोता हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कह लीजिए, हाँ पढ़ाई में तो बहुत क्लेवर है हमारा नीरज। नमो, 80-82% को क्लेवर नहीं कहते आजकल। क्लेवर तो वो होता है जिसे 90-95% मार्क्स मिले। मेरे ख्याल से 90% ठीक है। हाँ, 90% ही ले आए। तेरा मतलब है वो 90% मार्क लाएगा तो तू उसे मोटर बाइक देगा? मुझे पता था, तभी तो मैंने उसे वचन दिया कि अगर वो 90% मार्क लाता है तो उसे मोटर बाइक मिलेगी, लेकिन रिजल्ट के बाद। That's good, पापा जी. Let him earn his motorbike, huh? Niranj, Niranj, my boy. Yes, Dad. I am proud of you, my boy. आज तूने अपने फादर को बहुत खुश कर दिया। अभी पापा जी मुझे बता रहे थे कि तू खूब मेहनत करके पढ़ेगा, 90% मार्क्स लेकर आएगा, तभी मैं तुझे तेरी मोटर बाइक लेकर दूंगा। ऐसे तूने वादा किया है? मैंने? ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया पापा जी? 90% मार्क्स कहाँ से लाऊंगा मैं? थोड़ा कम नहीं बोल सकते थे आप? मैं क्या करता पुत्र, 80-80% मार्क को तो वो कुछ समझता नहीं। बड़ी मुश्किल से माना है 90% पर। कितना पढ़ना पड़ेगा मुझे आपको मालूम है? मैं जानता हूँ पुत्र, मैट्रिक तक तो मैंने भी पढ़ा है। ओनली SSC? मैं तो और भी पढ़ना चाहता था, मुझ में लियाकत भी थी, लेकिन मेरे कंधों पर डाल दिया चिट्ठियों का झोला और मैं बन गया पोस्टमैन। मुझे मिली थी साइकिल और तुझे मिलेगी मोटरसाइकिल। मेरी मोटरसाइकिल आप क्यों चला रहे हैं? तो दूध खत्म हो गया है ना, चाय बनानी है तेरे लिए, तभी तो तू पढ़ पाएगा ना रात भर। इसलिए मैं तेरी मोटरबाइक पर जाकर दूध लाता हूँ और तू दिल आके खाएगा। चल। राजू, शर्त लगाता है? हाँ लगाता। कैसी शर्त पापा जी? नीरज 90% मार्क्स लाए लाए। और नहीं लाएंगे तो? नहीं लाएंगे तो जो तू कहे वो मैं हारा। अच्छा, तो फिर आप शर्त हार जाएंगे पापा जी, क्योंकि हम अभी ऊपर जाएंगे और नीरज बाबा से कहेंगे कि उसके फ्रेंड का फोन कमिंग फॉर डिस्को जाने के लिए, तो नीरज बाबा पढ़ाई छोड़ेंगे और डिस्को भागेंगे, तो फिर 90% मार कहां से लाएंगे? तू झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है। नहीं बाबा जी, हम चीटिंग नहीं करेंगे। अरे गोबर गणेश, हम नीरज बाबा को बचपन से जानत है, उसके कमरे में जाके देख ले, पढ़ाई की किताब मुंह पे रख के सोए रहे होंगे। वो तो पढ़ते पढ़ते थक गया होगा। हाँ, तो फिर जो थक जाएंगे वो 90% मार कहां से लाएंगे? पापा जी अब शर्त लगाएंगे, 100-100 रुपए की हो ही जाए। इतना कॉन्फिडेंस है तो 500 की लगाना। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि 100 रुपए जीतने की खुशी 500 रुपए हारने के गम से कहीं ज्यादा है। हम जानत है, अभी आप नीरज बाबा के लिए अपने हाथों से चाय बना के ले जाएंगे और उसे जगा के कहेंगे पढ़। Give me a break, पापा जी। No break, पढ़। कितना पढ़ू मैं? अभी तो किताब बंद की है मैंने। दोबारा किताब खोल और पढ़। पढ़ गया वर्ड, मैं नहीं पढ़ सकता इतना। मोटरबाइक चाहिए कि नहीं? हाँ जी। तो फिर पढ़। अच्छा 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 अच्छा, आप जाइए, मैं पढ़ता हूँ। पहले तो पढ़। पढ़। अरे कैसे पढ़ूं मैं पापा जी, जब आप मुझे यूं घूर घूर के देख रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी आंखें मत कर लेता हूँ, लेकिन तू पढ़। किसी चीज की जरूरत हो तो बोलना, मैं ला दूंगा, लेकिन तू पढ़। ओके पापा जी। गर्मी लगती है तो पंखा छोड़ता हूँ, गर्मी के बहाने पढ़ना नहीं छोड़ना, तू पढ़। पढ़ तो रहा हूँ पापा जी। कोई किताब चाहिए तो ला देता हूँ, तू पढ़। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू पढ़। आप मुझे पढ़ने देंगे तब ना? मैं जा रहा हूँ किसी दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने। कौन सा दोस्त? वही दोस्त जिसके दादाजी उसे पढ़ने देते हैं। पढ़ने देते हैं? वही तो मैं कह रहा था कि पढ़। सर, दोनों का केमिकल फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन सॉल्वेंट एक है, समझ गया ना? समझ गया एंड थैंक्स। दीदी, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे टेंशन हो रही है मैथ्स की। लेकिन मैथ्स में तो स्कोर कर सकता है। आई नो दीदी, बट इट्स सो टफ। मुझे नहीं लगता मैं 90% मार्क्स ला पाऊंगा, एंड पहला पेपर है मैथ्स और उसमें अभी 2 दिन बाकी है, आई एम श्योर तो प्रिपेयर कर लेगा। दीदी इट्स डेडली। नीरज, रिया, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो खाना लग गया है। मुझे एक ग्लास दूध दे दो माँ, मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ तो खा लेना, मैं यहीं पे ले आऊँ प्लेट में डाल के। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, वरना ये चिल्लाएगी कि मेरा रूम खराब कर दिया। मैं अपने कमरे में जाता हूँ, ढूंढ ले आओ प्लीज। ठीक है, चल। नीरज कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगा? वो अपने कमरे में है पापा जी, पढ़ रहा है। वाह, बड़े जोरों से पढ़ रहा है हमारा पुत्र। मुझे तो लगता है कि 90% से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसे एग्जाम्स में। मुझे तो नहीं लगता। चुप बोलो जी, कितनी मेहनत कर रहा है मेरा पुत्र। मेहनत करने से क्या होता है करण बाला, याद तो वही रहता है जितनी दिमागी कैपेसिटी हो।
उसे सब आता है पापा जी, सिर्फ मैथ्स में थोड़ा कमजोर है। देखा, अब लगा लो शर्त, वो 90% मार्क नहीं लेगा। क्यों 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 क्यों, मैं पढ़ाऊंगा उसे मैथ्स, तब तो शर्त मैं ही जीतूंगा। तो लगा ले शर्त, 100 रुपए की। डन। मेरा 100 रुपया सेफ। नीरज बाबा। राजू मामा तुम आ गए, मतलब सुबह हो गए। तुम फुल नाइट पढ़ेंगे और तुमको मालूम भी नहीं होगी सुबह होगी। 90% मार्क्स जो लाने राजू मामा। मोटरसाइकिल के लिए ना। मैं तो भूल भी गया मोटरसाइकिल के बारे में। देखो ना मामा, मुझे कितनी टेंशन हो रही है, कल मेरा एग्जाम है और आज मैं सब भूलता जा रहा हूँ। इसीलिए मैं कल रात को मेरे कमरे से नीचे भी आया था यहाँ पढ़ने के लिए। ऊपर वो चार दीवारी मेरे सिर पे गिरने वाली थी, लेकिन देखो ना मामा, यहाँ आके भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये मैथ्स है ही बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। अच्छा, इसीलिए तो हम तुम्हारे लिए ये बादाम लाएं। बादाम खाएंगे तो दिमाग एकदम ओवर टाइम काम करेंगे, जो कुछ भी तुम पढ़ेंगे ना एकदम इंजन में फिट बैठेंगे, और फिर देखेंगे तुम कल मोर देन 90% से ज्यादा मार्क्स लेंगे। लो खाएंगे खाएंगे। थैंक्स मामा। नहीं थैंक्स नहीं, अभी खाएंगे। ये सब खाएंगे। राजू, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारते। अरे गोबर गणेश, एक तरफ तो तूने पापा जी से शर्त लगाई है 100 रुपए की कि नीरज बाबा को 90 से कम मार्क मिलेंगे, और खुद ही उसे बादाम खिलाते हो ताकि उसे ज्यादा मार्क मिले। शोभा, तुम नीरज बाबा को बाबा बोलें, हम भी बाबा बोलें, मतलब वो हमारा बेटा हो ना, और अगर हमारे बेटे को कम मार्क्स मिलेंगे तो हम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। अरे हमको तो बहुत खुशी होगी अगर हम शर्त हार जाएंगे, और हमसे ज्यादा खुशी पापा जी को होगी, और हो सकता है खुश होकर हमसे वो 100 रुपए नहीं लेंगे। मैं तो लूंगा, शर्त तो शर्त है राजू, 100 रुपया तो तुझे देना ही पड़ेगा। पापा जी हम 100 रुपया जरूर देंगे, हम शर्त सिर्फ इसलिए रखेंगे ताकि नीरज बाबा को नजर ना लगेंगे। अच्छा अभी हम जाएंगे ताकि नीरज बाबा डिस्टर्ब नहीं होगा। इसका 100 रुपया तो मैं सूरज को दे दूंगा, लेकिन इन दोनों की नजर उतारने के लिए तो मुझे जैसे निकालने पड़ेंगे ना, इतना प्यार। वैसे इसी तरह हमारे परिवार का हर एक दूसरे को प्यार करता रहे तो फिर ले रहे इम्तिहान जिसने भी लेना हमारे प्यार का, हर एक को 100 में से 100 मिलेंगे। तू पागल है क्या? हाँ, तू पिक्चर देखने गया था आज? अरे यार कल अपना एग्जाम है, अपना मैथ्स का पेपर, और तू बिंदास एकदम। क्या? डोंट टेल मी यार, तू सच कह रहा है? हाँ ठीक है, तू वहीं रुक, मैं अभी वहां आ रहा हूं। ओके दीदी, मैं जरा आधे घंटे में बाहर जाके आ रहा हूँ, तुम किसी से कुछ कहना मत प्लीज, चुपचाप मेरे लिए दरवाजा खोल देना। ओके लेकिन इस वक्त तू जा कर रहा है अपनी पढ़ाई छोड़ के? पढ़ाई के सिलसिले में जा रहा हूँ दीदी। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? पैसे होंगे कुछ 250-250 रुपये मेरी पॉकेट मनी से। शिट, मेरे पास 50 रुपये हैं, मतलब इन ऑल हुए 300। दीदी मुझे और 700 रुपये चाहिए। 700 रुपये और मीन्स 1000 रुपये, क्या करेगा तू 1000 रुपये का? मैथ्स का पेपर लीक हुआ है और वो 1000 रुपये में मुझे मिल रहा है। क्या? ये गलत बात है नीरज। हाँ गलत तो है, एक्चुअल प्राइस तो 2000 रुपये है। 1000 रुपये मेरा फ्रेंड दे रहा है और 1000 रुपये मैं दूंगा। मैं कह रही हूँ कि पेपर खरीदना गलत बात है। इसमें क्या गलत है? पेपर बिक रहा है, मुझे खरीदना है, मुझे पैसे चाहिए। तो माँ से जाके क्यों नहीं लेता पैसे? Are you mad? मैं दिलीप से ही बोरो कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ उसे वापस कर दूंगा, अपनी मोटर बाइक पर उसके घर जाकर। मैं जा रहा हूं नीरज। नीरज ये लिया पुत्र। क्या हुआ पापा जी? पुत्र नीरज अपने कमरे में नहीं है, कहीं बाहर गया है। हाँ जी पापा जी, वो बाहर गया है। कहाँ? ऐसे सैर करने गया है, कह रहा था कि माइंड फ्रेश हो जाएगा। तुझे क्या कर गया है? हाँ जी पापा जी, अभी आ जाएगा, आप सो जाइए, मैं खोल दूंगी उसके लिए दरवाजा। चंगी गल है पुत्र, किताब उल्टी है। पापाजी जाग रहे अभी। कुछ पता तो नहीं है उन्हें? पूछ रहे थे मुझसे, लेकिन आज तेरी वजह से फर्स्ट टाइम मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा।
थैंक्स अ मिलियन। चल पेपर सॉल्व करते, मेरी हेल्प कर। चल मैं उस पेपर की तरफ देखने भी नहीं वाली हूँ। देखा तो मैंने भी नहीं है, इतना एक्साइटेड जो हो रहा हूँ मैं। हाँ बहुत बड़ा काम जो करके आया ना, कि इतना एक्साइटेड है तुम समझती नहीं हो दीदी। कल का मैथ्स का पूरा पेपर मेरे हाथ में है और तुम कहती हो मैं एक्साइट नहीं होऊंगा। आई एम शेम्ड ऑफ यू। पापा जी वो मैं। चुप रहे, ये तो जूता उतार कर मारूंगा मुंह पर। मेरे जूते का साइज जानता है, एक चपट दूंगा अपनी शक्ल भूल जाएगा। ये मैथ्स का पेपर ठीक कर लाया है ना, क्योंकि तुम मैथ्स में कमजोर है। कर ले याद सभी जवाब और ले रहे हाईएस्ट मार्क 90% से भी ऊपर, ताकि तेरा बाप तुझे मोटर बाइक दे। अगले साल फिर खींच लेना पेपर और बाप से ले लेना मोटर कार। इसी तरह देता रहे धोखा अपने बाप को, हम सबको और अपने आप को। लेकिन याद रख पुत्र, मेरी नजरों में तू फेल रहेगा, फेल। नहीं पापा जी नहीं, ऐसा मत कहिए। मत छू मुझे अपने गंदे हाथों से। ज्ञान खरीदा नहीं जाता पुत्र, ज्ञान पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ताकि आगे चलकर ज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके। इस खरीदे हुए ज्ञान से क्या हासिल करना चाहता है तू? एक झूठी डिग्री, झूठा सर्टिफिकेट। आर्किटेक्ट बनना चाहता है ना? इस झूठी डिग्री की बुनियाद पर बनी हुई इमारत टूट जाएगी, गिर जाएगी लोगों पर, और ना जाने कितने मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा तू। और अगर डॉक्टर बनेगा तो बच्चे की जान बचाने की बजाय उसकी जान ले लेगा तू। मैंने क्या क्या उम्मीदें बांध रखी थी तुझसे, लेकिन तूने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज से ना तू मेरा पोता और ना मैं तेरा दादा। नहीं पापा जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी डिग्री, नहीं चाहिए ऐसा सर्टिफिकेट। मुझे 90% मार्क्स नहीं मिले, मुझे मंजूर है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं। मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मेहनत करके 90% से ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। पापा जी नहीं चाहिए मुझे ये पेपर, नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, माफ कर दीजिए पापा जी। पापा जी। और क्या हुआ? 100 रुपए निकालेंगे। क्यों? आप शर्त जो हार जाएंगे। नीरज बाबा के मार्क्स आएंगे और उसको मिले हैं 89%, यानी कि 90% से पूरा एक मार्क कम। I'm sorry पापा जी। But 89 is not bad नीरज। लेकिन वो 90% तो नहीं होते ना रिया, मेरी बाइक तो गई। पहले ये गुड न्यूज तेरे पियो को तो दे लूं। सूरज, सूरज। जी पापा जी। सॉरी पुत्र, तू शर्त हार गया। नीरज 90% मार्क नहीं ला पाया, ये लाया है 89, यानी 90% से एक मार्क कम। सो निकाल 100 रुपया। हाय, यानी पट हम हारे और चित आप जीते। ते होर की नीरज, अब 89% से तो तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। नो, लेकिन ये 89% तुमने बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से कमाया है, और ईमानदारी का इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये रही मोटरसाइकिल की चाबियां। आई लव